खबर है गढ़चिरौली जिले से, जहां नक्सल सप्ताह के निमित्त नक्सली गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर है तथा जिले में आवाजाही करने वाले वाहनों की जांच मुहिम भी जारी है। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। नक्सलवादी संगठनों की ओर से 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सल शहीद सप्ताह मनाया जाता है और इस नक्सल सप्ताह के दरमियान किसी प्रकार की अनुचित घटना न घटे इसके लिए गढ़चिरौली पुलिस विभाग की ओर से मार्ग मार्ग पर नाकाबंदी तथा जंगलों में गश्त लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। नक्सल सप्ताह के दरमियान जिला पुलिस अधीक्षक इन्होंने संवेदनशील भाग के पुलिसकों को सतर्क करने का इशारा दिया है। संपूर्ण भामरागढ़ तहसील के नक्सल गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई है। उसी पार्श्वभूमि पर उप विभागीय पुलिस अधिकारी नितिन गानापुरे घोड़राज मदद केंद्र के प्रभारी अधिकारी श्रीकांत गुरव के मार्गदर्शन में अति संवेदनशील नीलगुंडा मीनागुंडा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के साथ छत्तीसगढ़ से आने वाले मार्ग पर घोड़राज के पास वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। भामरागढ़ छत्तीसगढ़ मार्ग पर कोई अज्ञात व्यक्ति दिखाई देता है तो उसका जांच पत्र तलाशा जाता है और वह कहां से आ रहा है इसके बारे में पूरी छानबीन की जा रही है। इस मुहिम के दरमियान घोड़राज पुलिस मदद केंद्र के पुलिस उप निरीक्षक शरद काड़ीज, पुलिस उप निरीक्षक अमोल सूर्यवंशी अधिकारी के साथ जिला पुलिस तथा सीआरपीएफ जवान तैनात है। नक्सल सप्ताह के कारण किसी प्रकार का कार्य पर तथा दुकान व्यवसाय पर इसका असर न हो इसकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण तहसील के सभी एसटी महामंडल की बसेस तथा सार्वजनिक व्यवसाय व्यवस्थित तरीके से शुरू है। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि गणेश मुतकुरवार की रिपोर्ट।